अरे भाई दरवाजा खुला ही नहीं, मेट्रो ऐसी चली गई, ये क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। तो ये देखो यहाँ पे मेट्रो जा रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है यार। और जो भी लोग मेट्रो में घुस रहे हैं सबके चेहरों पे एक मुस्कान है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये यूनिक से वीडियो में, जिस वीडियो में हम मुंबई मेट्रो की सवारी करेंगे। सो राइट नाउ वी आर एट गोरेगांव आरे स्टेशन। तो यहाँ पे सामने से मेट्रो जा रही है, हम लोग हाईवे क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखो मेट्रो का ब्रिज, ये रहा मेट्रो का स्टेशन, आरे लिखा हुआ है। मुंबई की सेकंड मेट्रो जो शुरू हुई है, वेरी एक्साइटेड। तो ये देखो ये रहा एंट्रेंस, आरे लिखा हुआ है, एस्केलेटर भी है। और ये रहा स्टेशन, कितना मस्त लग रहा है यार, लुकिंग सो नीट एंड टाइट, एकदम नया नया है ना। क्या बात है, वाह। तो आज अपन वेस्टर्न लाइन एक अलग नजरिए से देखेंगे ना, हमेशा नीचे से देखते हैं, आज ऊपर से देखेंगे, वो भी एसी में, गर्मी में एसी, वाह। और वैसे ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, क्योंकि नई नहीं है तो ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो हम पहले अरे कोई नहीं है, एकदम खाली। लेकिन 6 महीने रुको, देखो यहाँ पे भीड़ कैसे रहेगा। ये देखो ये रहा टिकट काउंटर, क्या बात है, अभी टिकट खरीदेंगे। तो ये देखो ये शायद से मैप है आरे, अपन बीच में वहाँ पे मार्क किया हुआ है आरे, तो हम लोग जाएंगे, देखते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। तो ये देखो ये रहे टिकट के रेट्स, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ पे है मैप, काफ़ी सस्ता है यार, 10 रुपये से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम टिकट है 60 रुपये। दही सर का 2 टिकट, रिटर्न 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 अवेलेबल नहीं है सर, ओनली सिंगल जर्नी से अवेलेबल, आपको वहाँ से तो वहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। दही सर कितना टाइम लगता है यहाँ से? लाइक हार्डली 10 to 15 मिनट। क्या बात कर रहे हो। तो ये देखो ये रहा टिकट 20 रुपये, दही सर 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, सही है। इधर कॉइन सिस्टम नहीं है, इधर टिकट दिया हुआ है। तो ये सिक्योरिटी चेक हो गया है और QR कोड हमको यहाँ पर रखना है। ओह क्या बात है। तो ये देखो ये रहा मैप, हम लोग हैं यहाँ पे मेट्रो 7, और इसके पैरेलल ये भी चालू हो गई है मेट्रो 2 है। तो जो वेस्ट मुंबई से जाती है, मतलब वेस्टर्न साइड के वेस्टर्न पार्ट से, हम लोग हैं वेस्टर्न साइड के ईस्टर्न पार्ट से। सही किया है यार, अभी यहाँ का पार्ट शुरू नहीं हुआ है ना, तो आई थिंक यहाँ तक ही चालू है, चालू है बस, ये बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का वेटिंग एरिया, बहुत ही बढ़िया। और ये देखो मॉडल, क्या बात है। तो वो देखो वहाँ पे है लिफ्ट, जस्ट इन केस लिफ्ट की ज़रूरत है, बट हम लोग जा रहे हैं एस्केलेटर से, चाहे तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो। तो अभी जो अपन दुनिया की गर्मी में थे ना, अभी ठंडाक में जाएंगे, मस्त मेट्रो की ठंडी ठंडी हवा लगेगी। और हम ऊपर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, कितना मस्त लग रहा है कि आपको क्या ही बताऊँ। अरे मेट्रो खड़ी है भाई, ओहो बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है। ये देखो दोनों डब्बों के बीच में से हम जा रहे हैं, सही है भाई। और थोड़ा सा हाइट ऐसा कम क्यों लग रहा है, मतलब आई एम 5'8" 5'8" को इधर जो 6 फुट वाला क्या करेगा, वो इधर टच हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठने की जगह आप देख सकते हैं, साइड में सब बर्थ लगे हैं, बीच में पूरी खाली जगह है। तो मेट्रो का काम होता है ज़्यादातर लोगों को अकोमोडेट करना है, इसलिए खड़ा होने की स्पेस ज़्यादा होती है, बैठने की स्पेस कम होती है। ये देखो जगह जगह पे यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है, जैसे कि अभी दरवाज़ों के ऊपर स्क्रीन लगाई हुई है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी शायद कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा स्टेशन आने वाला है। यहाँ पे देखो लाइट्स लगे हुए हैं, जगह जगह पे अलार्म सिस्टम है, कैमराज लगे हुए हैं। दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दरवाजे के बाहर भी एक दरवाज़ा है और पूरा का पूरा सेफ जोन है, मतलब कोई डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के अंदर आ नहीं सकता है। जब भी ट्रेन आएगी तब दरवाज़ा खुलेगा और सामने का दरवाज़ा भी खुलेगा, ताकि लोग अंदर आ पाए, और फिर वापस बंद हो जाएगा। तो ये नए मेट्रो में साइकिल रखने का भी बंदोबस्त है, सही है ना, आपको दिखाता हूँ, इंडिकेटर है यहाँ पे, साइकिल लगा सकते हैं, ये रहा। अभी आप समझे यहाँ पे साइकिल कैसे लगाते हैं, साइकिल इसमें घुसाते हैं, ठीक है, फिर ये पार्ट ऊपर जाएगा तो साइकिल वर्टिकल हो जाएगी, और फिर यहाँ पे दोनों चेयर नीचे, क्या बात है। आई मस्ट से वेरी वेल थॉट, साइकिल वाला आइडिया बहुत सही है। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, जस्ट इनके साहब के पास इलेक्ट्रिक साइकिल है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सफ़र हो चुका है शुरू, क्या बात है। तो ये देखो ये रहा हमारा बाहर का व्यू, यूजुअली हम नीचे से जाते हैं, इस बार हम ऊपर से जा रहे हैं, वाह। We do it better, better. We don't.
ये गोरेगांव का ओबरॉय मॉल है, उसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, ये है अपना फिल्म सिटी रोड। इनफैक्ट काफी ऊपर से जा रहे हैं ना अपन, हाइट कितना है यार? अभी तक मेट्रो ने स्पीड नहीं पकड़ी है तो वेटिंग की थोड़ा स्पीड पकड़े, शायद नया ड्राइवर है, शायद नया ड्राइवर है। भाई यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जगह जगह पे है, इनफैक्ट यूएसबी चार्जर भी है, तो आपके पास सिर्फ खाली यूएसबी केबल है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल है तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल यहाँ पे चार्ज भी कर सकते हैं। और ये रहा इमरजेंसी इंटरकॉम, वेट कॉल टॉक, क्या बात है यार, सही है। और फालतू में कुछ टाइम पास किया तो 1000 रुपये जुर्माना। और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर, तो जगह जगह पे ये रखा हुआ है सीट्स के नीचे। और ये देखो डिस्प्ले, अभी हम लोग है डिंडोसी स्टेशन पहुँचेंगे, ये देखो स्टेशन आ गया। अभी ये देखो मैं आपको जो बोल रहा था बाहर के डोर्स, अभी वो डोर खुलेंगे और लोग अंदर आएंगे। जैसे प्लेटफॉर्म के यहाँ पे नीचे कोई उतर नहीं सकता है, जगह जगह पे इन्होंने पूरा फेंसिंग किया हुआ है जो ओपन होगा इस तरह से, खुल जा सिम। अच्छा ये अलाइन एडजस्ट कर रहे हैं, नए नए ना, नए नए ड्राइवर है। और ये रही दूसरी मेट्रो, वाह वाह, इधर देख के ऐसा लगता है कोई फॉरेन कंट्री में आ गया, देख ना। और ये देखिए यहाँ पे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, क्या बात है, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। खाली मेरे को एक लगता है ना हाइट थोड़ी कम हो गई, ऐसा लगता है ना, कुछ भी नहीं, 5'8" 5'9" 6 फुट वाला तो इधर वाला इधर लग जाएगा, मिट जाएगा, ऐसे चलना है। तो ये देखो ये अपडेटेड मैप आया यहाँ पे, देखो आरे से निकले डिंडोसी हो गया, अभी कोरा रहेगा, फिर ऐसे स्टेशन आएंगे टुवर्ड्स दिस साइड। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कुरार स्टेशन, ये देखो हर 2-3 मिनट में एक स्टेशन आता है। हाँ थोड़ा थोड़ा जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, बस बस परफेक्ट। तो ये देखो कुरार स्टेशन, वाह लाइट कीन दली है, हाँ थोड़ा अंधेरा हो गया तो शायद लाइट थोड़ा बढ़ गया है ना, एम्बिएंट लाइट मस्त हो गया। और जो भी लोग मेट्रो में घुस रहे हैं सबके चेहरों पे एक मुस्कान है, जैसे कि खुद की कार है नहीं कार है, ऐसे सब लोग घुस रहे एकदम स्माइल कर रहे हैं, वाह मेरी नई गाड़ी। आधे से ज़्यादा लोग इस ट्रेन में टाइम पास करने आए हैं ऐसा लग रहा है, सब लोग फोटो निकाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, एंजॉय, पीपल आर एंजॉयिंग। और ये देखो ये जो जगह दिख रही है आपको ये वाली, इस पर अभी तक ब्रांडिंग आई नहीं है, अभी फिलहाल तो खाली है क्योंकि बस 2 ही दिन हुए हैं, तो धीरे धीरे करके सब ब्रांडिंग आ जाएगी, हर जगह पे ब्रांड्स के स्टिकर आ जाएंगे। ये देखो दो डब्बों के बीच में हम लोग हैं, थोड़ा सा स्केरी लगता है लेकिन ठीक है, वाह। अभी सीख गए, अभी परफेक्ट किया, देखो ये देखो परफेक्ट। ओइसर स्टेशन, कभी साइकिल लेके आना पड़ेगा ना इसमें, ऐसे रख के मस्त देखना पड़ेगा। मैं अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल गोरेगांव से लेके गया था ना, तो दहीसर तक इसी में लेके जाता, फिर दहीसर से वापस थाने चले जाता। और सीट्स देखो, ये वाली मेटल सीट है, नॉर्मल वाली भी सीट भी मेटल वाली ही सीट है, देखो एल्यूमिनियम है ना, लग रहा है एल्यूमिनियम ही है, बट ये ऑलरेडी गंदा होना थोड़ा स्टार्ट हो गया है, ये देखो तो ये कलर तो ऑब्वियसली गंदा होगा ही। तुम्हारे यहाँ पे डिटेलिंग के लिए पूरा मेट्रो डिटेलिंग के लिए ले देंगे, योगी भाई बोलेंगे कि एक बार प्रपोजल डालते हैं कि मेट्रो को सिरेमिक कोटिंग कर दें, एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मागा ठाणे स्टेशन, इसके बाद देवीपाड़ा स्टेशन है, फिर दहानुकर वाड़ा वाड़ी, ये नाम मुझे पता भी नहीं था जब मैं मुंबई में रहता हूँ। और वैसे अगर देखा जाए तो ये 20 रुपये टिकट मुझे लगता है इंट्रोडक्टरी प्राइस ही है। अगर आप इसी जर्नी को बस से कंपेयर करेंगे ऑटो से, ऑटो तो छोड़ ही दो, ऑटो तो कम से कम 100 रुपये लेगा, और बस से कंपेयर भी करते तो बस मुझे नहीं लगता 20 रुपये टिकट लेगी यार, ज़्यादा ही लेगी, और ऊपर से गर्मी अलग। ये वाला सफ़र एकदम सही है, 20 रुपये में एकदम आराम से 15 मिनट हमको हो गए हम लोग बैठे हैं। ये रहा मागा ठाणे बस डेपो, सही है, हाईवे से तो दिखता भी नहीं है। तो हम लोग उतर रहे अभी देवीपाड़ा स्टेशन में, चले चलो। तो हम लोग देवीपाड़ा स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, तो ये देखो यहाँ पे मेट्रो जा रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है यार, ब्यूटीफुल, वाह। अभी हम लोग वो साइड जाएंगे और वहाँ के मेट्रो पकड़ेंगे। बाय द वे आपको अगर ये एक्सपीरियंस पहली बार देखने का मौका मिला मेरे चैनल के थ्रू तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन जरूर दबाना, करो यार, थोड़ी एफर्ट लगी है सब करने के लिए। अरे थैंक यू सो मच। चलो करेंगे, यहाँ पे टच QR कोड स्कैन करना है, क्या बात है यार। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, वापस से हम टिकट लेंगे 20 रुपये का और फिर वापस जाएंगे। दोन आ रहे हाँ। मंथली पास कौन शुरू होगा ना क्या सर, सध्या तरी अपडेट नाही आहे सर। अच्छा मोबाईल ॲपवरून बुकिंग वगैरे नाही सध्या? नाही सध्या तरी नाही, अजून नाही। ये देखो ये ऑप्शन भी सही है, टिकट वेंडिंग मशीन, तो आई थिंक यहाँ पे नोट डालने का, ये देखो नोट डालने का और फिर टिकट आएगा, सही है बॉस, यहाँ से टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। यार पता था तो ये करके ऑटोमेटिक
अरे भाई यहाँ पे डेबिट कार्ड भी है, यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड ऑल्सो। एक नंबर यार, गूगल पे ना है ना? नहीं गूगल पे नहीं। तो हम लोग आए थे एस्केलेटर से, अभी ऊपर चढ़ेंगे लिफ्ट से, देखते हैं लिफ्ट कैसी है। क्या बात है, प्लेटफॉर्म पी सही है। ओहो ऐसी नैरो है, लंबी है, 1000 किलो, 13 लोग की कैपेसिटी। तो ये आ गए हम देवीपाड़ा प्लेटफॉर्म पे, तो अभी वेटिंग फॉर मेट्रो। तो देखो वहाँ पे आरे लिखा हुआ है बोर्ड पे और 4 मिनट रिमेनिंग है, मतलब 4 मिनट में हमारे मेट्रो आ जाएगी। तो ये आ गए हमारे मेट्रो आरे, क्या बात है। 2 दिन में धूल कितनी चढ़ गई, देखो ऊपर से पूरी धूल चढ़ी हुई है। तो चलो अभी वापसी का सफ़र शुरू करते हैं मेट्रो में। अरे वैसी जा रही है, अरे भाई दरवाज़ा खुला ही नहीं, मेट्रो ऐसी चली गई, ये क्या हो रहा है। अरे भाई छोड़ के चली गई मेट्रो, सब लोग खड़े हैं। आ रही है 3 मिनट में और एक आ रही है, नए लेकिन एक भी नहीं रुकी। हाँ नए नए सिस्टम है तो शायद थोड़ा ग्लिचेज आ रहे हैं। तो वापस 3 मिनट बाद दूसरी मेट्रो आ गई और हम लोग चढ़ गए। तो ये मेट्रो से सिर्फ मेट्रो में ट्रैवल करने वाले लोगों का ही फायदा नहीं हुआ, और लोगों का भी फायदा हुआ है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी बढ़ी है। बहुत सारा स्टाफ है भाई, हर एक स्टेशन पे दबा के स्टाफ है, काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिल गया होगा इसी चक्कर में। खर्चा कर रहे हैं। आई होप कि मुंबई की पूरी मेट्रो की जो सर्किट है, लाइन है, वो कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। 6-7 लाइन का काम चालू है, अभी तो खाली 1-2 लाइन चालू हुआ है। मजा आएगा, आफ्टर 10 ईयर्स मुंबई विल बी ऑन अनदर लेवल। तो देखो एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट आता है मेट्रो के अंदर, लेकिन जब भी मेट्रो के अंदर हल्का सा लाइट कम हो जाता है ना, तो ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है ये थोड़ी ब्राइट हो जाती है। वो देखो देख टर्न मार रही है। और यहाँ से आपको आपका व्यू देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल मुंबई। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेट एनिमल्स नॉट अलाउड। और ये देखो क्या बेहतरीन सा व्यू दिख रहा है हमको बैठे बैठे, सही है। बारिश में एकदम मस्त लगेगा। तो ये नीचे जा रहा है फ्लाईओवर हाईवे का, ये देखो ये फिल्म सिटी रोड, और हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं आरए स्टेशन। चलो जाने का वक्त आ चुका है, चलो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल मेट्रो, वापस ज़रूर आएंगे। बस 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 थोड़ा सा बराबर है। अरे भाई ऐसा मत करो, चलो वहाँ से, ये क्या हो गया, चल 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 भाई, सिस्टम में बहुत ग्लिचेस है। ये देखो सिस्टम में ग्लिचेस है भाई, ये दरवाजा खुला ही नहीं। तो लो जी हम लोग आ चुके हैं आरए स्टेशन में वापस, जहाँ से हम लोग निकले थे। अभी ये स्टेशन आपको खाली खाली लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स अभी तक ओपन हुए नहीं है, 2 ही दिन हुए ना। तो कुछ महीनों बाद 100% श्योर यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स खुल जाएंगे, बहुत सारे आउटलेट्स खुल जाएंगे, और क्या ATM, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज भी खुल जाएंगी। और ये देखो फर्स्ट एड रूम, सही है। तो ये यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, इसका बोर्ड लगाया हुआ है। सो दोस्तों ये था लेटेस्ट न्यूली लॉन्च्ड मुंबई मेट्रो का सफर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आपको अगर मौका मिला तो जल्दी से आके टेस्ट राइड ले सकते हैं। फिलहाल के लिए टिकट थोड़ा सस्ता ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे एक स्टाफ भाई है जो हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो थोड़ा मिल लेता हूँ। पॉस लग रहा है एकदम। So that's it for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगे, do hit the like button दबाए बिना जाना ही मत, सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हो फॉर लाइव अपडेट्स। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। अच्छा लगा, मजा आया मेट्रो में, ठंडा ठंडा था, पसीना सूख गया मेरा सब। मुंबई मेट्रो मधुन प्रवास के लिए धन्यवाद।